हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश कदम है। मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। हमारी जो कंपनी है प्रगति गृह उद्योग और प्रगति इंडस्ट्रीज, ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ISO सर्टिफाइड कंपनी है। हम लोग 8 से 10 टाइप के मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आज तक आप लोगों ने देखे होंगे, पिछले जितने भी वीडियो है वो सब में भी देखा होगा कि बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं, सर और कुछ नया लेके आइए, और कुछ नया लेके आइए। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लेकर के आए हैं जो कि हर जगह पे यूज होता है। मंदिर है या घर है, ऑफिस है, हर जगह पे यूज होने वाला प्रोडक्ट है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो किस तरह से काम करता है और आप महीने में कितना इनकम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि ये कौन सी मशीन है, इसमें किस तरह से काम किया जाता है और ये क्या प्रोडक्ट बनाती है। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं, ये मशीन है लॉन्ग कॉटन विग मेकिंग मशीन, यानी लंबी बत्ती बनाने का मशीन। तो ये सिंगल फेज मशीन है जो अपने घर की घरेलू बिजली जो होती है उसके ऊपर चलती है, और इसमें घर का हर कोई सदस्य आसानी से काम कर सकता है। इसको जगह भी बहुत कम लगती है, कम जगह में और कम बिजली में ये मशीन चलती है। घर का हर कोई सदस्य आसानी से काम कर सकता है और महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये महीना आप घर बैठे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये मशीन किस तरह से वर्क करती है, बत्ती कैसे बनती है, सबके बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे स्पीड कंट्रोलर दिया हुआ है, यानी आपको जितना स्पीड चाहिए उतना आप रख सकते हैं, बाद में आप कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे वाटर टैंक दिया है, ये पाइप दिया है, ये कॉक को चालू करना है, यहाँ पे बेल्ट के ऊपर पानी आ जाएगा। तो अभी हम मशीन स्टार्ट करते हैं। ये जो स्पीड है आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं इस तरह से, और ये उसका रॉ मटेरियल आता है वाटर, और इस तरह से आप कटिंग करके 3 इंच 3.5 इंच का कटिंग करके रख सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि ये बत्ती किस तरह से बनती है। ये खाली इस तरह से आपको कॉटन तोड़ना है, एकदम आसान है। देखिए दोस्तों, ये इस तरह से बत्ती बनके रेडी है। अब आपको ये जो बत्ती है आपको हमें देते वक्त इस तरह से पैकेट में पैक करना है। 100-100 बत्ती का गट्ठा बना के ये पैकेट में पैक करना है। आप चाहे तो लोकल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। अगर आपको लोकल मार्केट में सेल नहीं करना है तो आप ये हमें वापस भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है। तो देखा दोस्तों आपने कि मशीन किस तरह से वर्क करती है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये मशीन खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और किस तरह से एग्रीमेंट होता है, कितना आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये सब के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो मशीन है इसमें आप एक दिन में 8 से 10 घंटा काम करके 2 किलो से 2.5 किलो तक माल बना सकते हैं। लेकिन ये कहने से नहीं होगा, ये आपको करना पड़ता है। कोई बंदा 2 किलो भी बना सकता है, कोई 1.5 किलो बना सकता है, कोई 0.5 किलो भी बना सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। कोई बंदा काम ही नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से यानी इसका जो इनकम है आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना कर सकते हो, क्योंकि मशीन खुद काम नहीं करती है। आप जितना कॉटन छोड़ोगे, अगर कोई बंदा 1 घंटे में 0.5 किलो कॉटन छोड़ता है तो 1 घंटे में 0.5 किलो बत्ती बनेगी। कोई अगर 4 घंटे में 1 किलो छोड़ता है तो 4 घंटे में 1 किलो बनेगी। यानी ये आपके काम के ऊपर आपका इनकम डिपेंड होता है। रही बात एग्रीमेंट की, तो दोस्तों एग्रीमेंट किस तरह से होता है ये मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये एग्रीमेंट इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं इसमें 500 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट होता है, जो कि नोटरी एग्रीमेंट होता है। ये मराठी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। इस तरह से ये नोटरी एग्रीमेंट होता है। ये देखिए,
ये इस तरह से एग्रीमेंट होता है। तो दोस्त तो देखा दोस्तों आपने कि एग्रीमेंट किस तरह से होता है। तो अभी रही बात ये मशीन खरीदने की, तो इसमें मशीन आप तीन टाइप में खरीद सकते हैं। एक तो है फुल पेमेंट, फुल पेमेंट में आप पूरा पेमेंट भर के मशीन ले सकते हैं। यदि किसी के पास फुल पेमेंट नहीं है तो वो किस्त पे यानी ईएमआई पे भी मशीन ले सकते हैं, जिसमें आपको डाउन पेमेंट भरना होता है और बाकी का जो पेमेंट है वो ईएमआई पे पेड करना होता है। तो तीसरा जो है वो रेंट का है, रेंट यानी आप मशीन किराए पे लेकर के भी काम कर सकते हैं, जिसमें एक अमाउंट होता है जो डिपॉजिट के तौर पे आपको रखना होता है। आप 11 महीना पूरा काम करते हैं तो वो डिपॉजिट जो है आपको रिफंड मिलता है। यानी तीनों का अलग अलग एग्रीमेंट बनता है। अब रही बात इनकम की, तो रेंट पे क्या होता है कि रेंट में आपको थोड़ा सा इनकम कम रहता है, उसके ऊपर आप ईएमआई पे लेते हैं तो रेंट से थोड़ा इनकम आपको ज्यादा होता है, और जो फुल पेमेंट है उसमें ये दोनों से ज्यादा इनकम होता है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको रेंट पे लेना है, ईएमआई पे लेना है या फिर फुल पेमेंट भर के लेना है। तो इस तरह से आप मशीन लेकर के घर पे बैठ के आप महीने का 20,000 से 25,000 रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो ये आपके काम के ऊपर डिपेंड होता है। तो दोस्तों देखा आपने कि ये सब प्रोसेस किस तरह से होती है। तो आपको देर किस बात की है, अभी हमारा जो डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो नंबर है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। हमारी जो सेल्स की टीम है वो आपको पूरा गाइड करेगी, जिसमें आपको कोटेशन भी भेजा जाता है और जो एग्रीमेंट का कॉपी अभी आपने देखा तो वो पीडीएफ आपको भेजा जाता है। तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए, जो नंबर दिए है उसके ऊपर कॉल कीजिए, हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।